और ये है हमारा हल्दी, ये भी एंटी बैक्टीरियल है। इसके फ़ायदे के बारे में मुझे नहीं लगता मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये वेल नोन है। ये देखिए ग्रीन टी इन्फ्यूज़ किया हुआ है इसमें, और इसको एक स्पून ले लेंगे और थोड़ी सी लेंगे हम पत्तों का ये पाउडर है। एक तो आप फ्रेश नीम पाउडर भी डाल सकते हैं, नीम पत्तियाँ डाल सकते हैं क्रश करके, या आप चाहे तो ऐसे भी करके इसे सुखा लीजिए, सन ड्राई मत कीजिएगा, शेड में ड्राई कीजिएगा और उसको थोड़ा सा डाल दीजिए। तो मेरा क्या क्या हो गया इसमें, ग्रीन टी मैंने डाला फर्स्ट, सेकंड टर्मरिक डाला और ये नीम का पाउडर को मैंने डाला है। इसे अच्छे से वो कर लीजिए। और ये है थोड़ा चेहरे को मॉइस्चर के लिए हम डालेंगे हनी, इसे अच्छे से फेस के लिए बना लीजिए। और आप चाहिए तो अगर ये बहुत ही फ्लोई अगर हो जाता है तो बाइंडिंग के लिए आप चेहरे पर, कि चेहरे पर अच्छा से इसको लग जाए कोट कर सके, तो आप चाहिए तो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बेसन है। अब ये मैं जितना आप डालें जितना ज़रूरत हो इसमें डाल के इसके अच्छे से वो बना लीजिए। मेरे तो ठीक है मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसको चेहरे पर लगा दीजिए और ये आप 15 दिन लगा कर लगाइए चेहरे पर, एवरी अल्टरनेट डे लगा कर देखिए। और ये चेहरे को इतना डिटॉक्स कर देगा और पोर्स और श्रिंक भी करता है पोर्स को। और आप लगा के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो होती हैं सामने वाला इंसान हो सकता है झूठ बोले, लेकिन आप खुद लगाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या फ़र्क है। तो आप फिर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको फ़ायदे मिले, क्या बेनिफिट्स हुआ। चलिए बाय बाय।